बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 एक्सरसाइज 7A लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहला सवाल मैं ऑलरेडी डिस्कस होतगा, आएगी एक्सप्लेनेशन होतगा और आई रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यूनिटरी मेथड है, मैं आईएस मेथड अप्लाई को द आंसर फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी पता कि इससे वर्ड प्रॉब्लम्स ना निशानी, जब तक सवाल समझा नहीं, यानी इंग्लिश सवाल समझा नहीं आवक्ति तक मास्ते ये आंसर एक करके जगह काबिल लगे, या फिर मां सवाल अब समझे। सवाल जी, मिस्टर अरसलान बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीस 1,08,000 एंड सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ये सवाल पूछ गई कि एक मर्द अरसलान आया, एक प्लॉट यानी ये जमीन है बाया जरता, प्लॉट खाली है जमीन है उसका बाया जरता, 1,08,000 रुपये, 1,08,000 शेयर प्लॉट है बाया जरता जमीन है, वादिश या जमीन बाहा होता शेयर 20% प्रॉफिट मिलता। नहीं शुमा मारा ये फाइंड आउट करेंगे कि शे जमीन चिंचु का भाग। नहीं ये सवाल था, तीसरे सवाल हमारा कि प्रॉफिट फाइंड आउट करना या फॉर एग्जांपल कि लॉस फाइंड आउट करना है, भले ये सवाल था। अब तो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ताते हैं, भले ये सवाल था मारा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस दाता और प्रॉफिट है परसेंटेज दाता और हमारा उसके सेलिंग प्राइस का फाइंड। अभी ये सवाल है वो अस्सा या गप्पे पहला सर समझे, आ गप्पा में इंग्लिश का क्वेश्चन पता शो हमारा इसी एक्सप्लेनेशन आ गया। अब आप पूछे के प्रॉफिट एंड लॉस आर रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस आर रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस चाहिए हमें प्राइस का, क्या चीज दबाया चाहिए निमाउशे, प्रॉफिट एंड लॉस आर रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट और लॉस से ताल्लुक हो कॉस्ट प्राइस से। आई वजह चाहिए, आई वजह ऐसे मन अकबरे या दुकानदारी भी आई अकबरे रो चीजें बाया दीरी पता के आई या बाक नहीं आई या मालूम भी के मना फायदा बीता या नुकसान, प्रॉफिट बीता या लॉस, यानी चीजिए बहाकने के वास्ता ये जरूरी है कि अकबरे माबरू चीजें बिजी रे बाहर करे ना, यानी मास से चीज जो आइए पता बहाकने के मारा चिच्चो मार चिच्चो का बाको हमें डिफरेंस मारा प्रॉफिट और लॉस सब चीज, लिहाजा चाहे फायदा भी या नुकसान आप रिलेटेड है वो कॉस्ट प्राइस सा, और ये सवाल है तो का प्रॉफिट है परसेंटेज दाता, लिहाजा ये सवाल तो का माँ होती असम्पशन जाहिर करनी इन द सॉल्यूशन। मैं पहला दफा ये यानी कि 20% प्रॉफिट इंप्लाइज दैट व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100%। एक आप पे माना चाहिए कि भाई ये मर्दमा 20% प्रॉफिट हमें वास्ता मिलता कि इशिया वती 100% कॉस्ट प्राइस दाता आई अच्छी मालूम बित्ती की मना मिलता। एक पहला वाली जुमले माने कि मैं चिया लिख के 20% प्रॉफिट इंप्लाइज दैट व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100%, ये मैं ये वास्ता लिख के ये माना कुछ कि ये 20% प्रॉफिट हमारा वक्ता हमारा मिलता वो आधे मावती कॉस्ट प्राइस पूरे ही अदा कोता, कॉस्ट प्राइस अदा कोता चीज जमीन जुटता नहीं बात जुटते ही एक बारी नहीं बात होती ना 20% पाया नहीं थी बुरा मावुशे, कॉस्ट प्राइस इसी 100% दाता पमेश कल्शिया 20% प्रॉफिट मिलता। इस स्टेटमेंट है माने ये स्टेटमेंट में लिख के चिया ये वजह भी समझे ची माना समझाते ना कि भाई 20% प्रॉफिट मारा मावादी मिलता कि मैं 100% कॉस्ट प्राइस दाता,
और ये स्टेटमेंट है लिखने के मकसद से कि मारा मैं सेलिंग प्राइस से परसेंटेज कम से कम एक बार मिली चीज मिली सेलिंग प्राइस से परसेंटेज सेलिंग प्राइस से परसेंटेज मारा छो मिली मक्षे सेलिंग प्राइस से परसेंटेज है मक्षे कॉस्ट प्राइस से 100% प्लस प्रॉफिट है 20% इज इक्वल्स टू 120%। यानी एक एमएस सेल होता अंदर इन परसेंटेज वी गॉट 120% याद गप्पे याद दारी को इधर चूंके दाते का प्रॉफ 20% प्रॉफिट मालिक के 20% प्रॉफिट इंप्लाइज दैट व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100% अगर हमें बिकते 20% लॉस मैं पता भी हमें कब लिख कर देगा कि 20% लॉस इंप्लाइज दैट व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100% ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस दो रिलेटेड है वो कॉस्ट प्राइस का बस यह फर्क की विद्या ये प्रॉफिट है ये 100 है वो प्लस है ये प्रॉफिट है ये 100 है वो प्लस विद सेलिंग प्राइस है अगर ये लॉस बिते ये 100 आचे माइनस बिते का कौन सेलिंग प्राइस से परसेंटेज है जब मैं गाने ना ये चीजें प्रॉफिट के बिता जारे में अमीन चुका जरूरत है इसे कि इस तरह बात करा प्लस और अगर लॉस बिता जारे अमीन चुका जरूरत है इसे कम तरह बात करा माइनस इस सिचुएशन वह तुम्हारा हाल देगी सो ये परसेंटेज के मतलब कि ये परसेंटेज मतलब जी मां इशिया देगी या असम्पशन है कने आ असम्पशन है मकसद में सिर्फ ये भी कि मैं जो ये परसेंटेज हंसते ये फ्रैक्शन है तो कब है परसेंटेज में फ्रैक्शन है तो कब है आई वाज द माय स्टेटमेंट ची लिख के मक्षे व्हेन कॉस्ट प्राइस इज रुपी 1 याद बता रहे मां आर एस न लिख के आर एस रुपीस या किया चे गेस्टे मान लिख के आर ई यानी रुपी यानी याक के व्हेन कॉस्ट प्राइस इज रुपी 1 नहीं और कभी नबी या रुपए ये तो चीज है तो बात करने के पार फायदा हासिल करने एक हम जो इसने पे अजम्पशन है जैसे परेशान नहीं या रुपए को जा चाहिए एक अजम्पशन है और ये अजम्पशन चिया करने के बैगे ताके मां ये परसेंटेज या फ्रैक्शन दे बने ताके मां ये परसेंटेज या फ्रैक्शन दे बने व्हेन कॉस्ट प्राइस इज रुपी 1 सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू दी 120% जो बने आ चीज के परसेंटेज बने बिना ये डिनोमिनेटर 100 120 अपॉन 100 ये स्टेटमेंट है मकसद किया ताके मार सेलिंग प्राइस है जो परसेंटेज मार मालूम होता मैं सेलिंग प्राइस है परसेंटेज है मतलब जो सेलिंग प्राइस है मालूम सेलिंग प्राइस है जो परसेंटेज में मालूम होता आप परसेंटेज आ मैं फ्रैक्शन मां पे बनाएंगे समझ का मैं ये स्टेटमेंट नहीं मैं उसे सवाल नहीं मुगा रहे मक्षे व्हेन कॉस्ट प्राइस इज रुपीस 1,08,000 सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1,08,000 ठीक मार से मल्टीप्लाई करें उसिया मारा मैं सेलिंग प्राइस 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1,08,000 जो के मैं सवाल तो बताते हैं कॉस्ट प्राइस निमा चाहिए करें मां बाय दिशा डिवाइड करें डिवाइड है ये सवाल है डिवाइड डिवीजन इनते ही आसा मां ये छोंगे 100 है और ये 1,08,000 100 और 2 जीरोस हंसते इसलिए दस है जीरो सो ये दो ही जीरो अंदर ही है मां ये दो ही जीरो करने खत्म ताकि जाला वन भी मैं मसला ले लूं डिनोमिनेटर 1 वो आर्च नंबर है हंसते ये मैं कह रहा बच्चे छे 120 मल्टीप्लाई बाय 1,018 मैं ये ना मल्टीप्लाई करने क्योंकि ये भी एक न्यूमरेटर है ये भी एक न्यूमरेटर है हमेशा का ये दो है मल्टीप्लाई मां ये डिनोमिनेटर था डिवाइड चलिए जीरोस में सिंपली खत्म करा अगर इधर जीरो वाला मामा बड़ा मैं बाकी इधर तोर पर डिवीजन परफॉर्म करे चूंकि इधर जीरो वाले हैं मां बड़े दस्ते परफॉर्म ना करेंगे मां ये जीरो हम एक कैंसिल करता निमा 1
120 और 1080 ये दोनों मल्टीप्लाई करें, अच्छे कहते में सेलिंग प्राइस हमारे जो 1080 मल्टीप्लाई बाय 120 0 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
का 0, 1, 2, 1 का 2, अंकड़ा 0, 8, 0, 1, सो ओवरऑल 0, 0, 6, 9, 2, 1, यानी के 1,29,600, 1,29,600 माई गेरा सेलिंग प्राइस इमा चो मालूम को इधर जीरो एवरेज कैंसिल भी था मतलब बच्चे 1,080 इधर बच्चे 120 मास से तो मल्टीप्लाई पता 1,29,600 एमएस से सेलिंग प्राइस।